रखे पेटीज, बर्गर, मोमोज और अंडे। यार मोमोज पक गए मेरे, छुड़ावे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस जब भी रेडी हो चुके हैं हम सवरे और चलते हैं गणेश की दुकान लगा रखी है, उसमें क्या सिस्टम है तो देखते हैं भाई, वहाँ जाके पता चलेगा क्या सिस्टम है कैसा है। तो फर्स्ट टाइम जाने वाले हैं तो चलो चलते हैं। बहकी सभी जुबां हैं, हम हैं हजारों में, अब की कमी। तो भाई पहुंच गए फाइनली दिनेश की दुकान पे। तो भाई दिनेश का सेटअप है ये। तो भाई दिनेश ने लगा रखी पेटीज, बर्गर, मोमोज और अंडे। यार मोमोज चिपक गए मेरे, छुड़ावे लग रहा हूँ। मोमोज चिपक गए कहीं। तो भाई लास्ट डे आज, तो मैं इनके घूमने आए मैं इनके लिए। दिनेश की सेटअप में ही देखा हमें, और भाई सिस्टम बढ़िया बना रखा चौराहे पे। ये जस्ट चौराहा है, यहाँ पे जैसे बरसाने के नाले से बाहर निकलेंगे ना तो कोने पर ही है बिल्कुल ठेके के साथ में। सेटअप तो अच्छा बना रखा है यहाँ। तो भाई अब टेस्ट चेक करके देखते हैं। तो दिनेश चीज तो फिलहाल है नहीं, तो बर्गर से कहा ले वो तो कमल कितने खा सके तो बर्गर लेंगे दो चार भैया। शर्त पे कितने खा सके है? चार बर्गर भी खाने की चीज़ है। तो भाई हम भी टेस्ट करके चेक करते हैं कैसा टेस्ट है दिनेश का। तो दिनेश बर्गर लगा तू अमान्य, तेरे बर्गर चेक करके देखते हैं कैसे हैं। तुम्हारे कहा 30 रुपया पर है वो एक बर्गर, सबके साथ 15 को देख लो भाई देख लो, क्योंकि अपने इन पे काटना चाहिए पर आने का काट है। देख लो भाई यू है भाई भाईचारों, मतलब हमें मिला वो ज़्यादा हमें। तो भाई तो अमान्य तैयार हो रहे हैं बर्गर। तो बर्गर पहले टेस्ट करके देखते हैं जब लेंगे आनंद। तो चलो बर्गर 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 खाया। बर्गर का सिस्टम बढ़िया, छोरा ना बढ़िया बना रखो है और सेट है जुगाड़ तीन कतई पर काम में कोई बुराई नहीं है भाई। भाई ने सेटअप तैयार किया सही है, कोई दिक्कत नहीं है अपना। अब ये तो है भाई ने यूट्यूब छोड़ा ना, यूट्यूब भी करा है, छोड़ो ना है गरीबी के कारण छोड़ना पड़ा यूट्यूब। तो भाई जो करो बाद में यूट्यूब चालू करो, फिलहाल धंधो चालू करो वहाँ के बाद यूट्यूब चलाओ। और सेटअप लाऊंगा पूरा कैमरा वगैरह सारा कुछ सही है भाई, अपना काम अपना ही है अपना। वैसे तो ठीक है ना, काहे की किसी की कहने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अबे इससे ही क्या है, बड़े बड़े जो बीटेक वाले, जैसे आपने सोचा बीटेक चाय वाले, एमबीए चाय वाले काफ़ी बड़े बड़े ये छोटे छोटे दुकान लगा रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है। हाँ बूंद बूंद से गड़ा भर है भाई। तो भाई बहुत अच्छा लगा सेटअप मिलके। और चलो फिलहाल अब बाहर घूमने चलते हैं, चलो थोड़ा और घूमने लेते हैं। तो चलते हैं थोड़ा, कैसे सिस्टम है बैठ आ गए। अभी हम दिनेश पर एक घूमे हम हैं मंदिर के पास, देखते हैं कैसी भीड़ है। अंदर तो अभी जाएंगे नहीं हम, तो बाहर से ही देखेंगे कैसा नजारा है। और आज साल का लास्ट है तो काफी भीड़ चल रही है। वहाँ पे भी दिनेश ने जो रेडी लगा रखी थी उसमें भी काफी भीड़ थी बहुत ज्यादा भाई। यहाँ पे भी वहाँ पे पार्किंग की सुविधा भी पल्ली साइड कर रहा थी भाई हर जगह भाई। रस ले रहे हैं सब आनंद को। तो मैं काफ़ी दिनों बाद आया हूँ, तो भीड़ चल गई बस एक समय। तो फोन का डर है कहीं इधर उधर चले जाए। तो भाई पहुँच गए हम कीर्ति मंदिर के जस्ट पास। भाई यहाँ का नज़ारा तो एक ज़बरदस्ती रहता है। साइड में भी देर पीछे मार, ये देखो पीछे हमारे मंदिर है, सामने से दिखाता हूँ मैं। मेरे हाथ में लगवाई हुआ वाली कैमरा वैमरा टूट जा तो नहीं बना रहा हूँ। तो चलो उतर के मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ बाहर से, अंदर अभी मिल जाएंगे अगले से। इतना ज़बरदस्त लग रहा है भाई, ये देखो लाइटिंग वगैरह रात को, ये देखो अंदर का ब्लॉग तो मैं काफ़ी बार देख चुका हूँ, तो इसलिए मैं अंदर नहीं जा रहा। देखो ऐसे ही आया था यहाँ से, इसका आगे मेन गेट है। साल का लास्ट है तो सभी दादा रानी के दर्शन करने आते हैं, वैसे आते हैं तो। और हम जाएंगे दर्शन करने न्यूयर वाले का, काफ़ी भीड़ लाइट में तो मस्त रौनक लगता है। सामने से देखता हूँ मैं आपको, ये देखो
हैं बैठ, वापसी चले भाई, ऐसे घूमने आए थे बैठन भी ना जामे चलते, मारो ड्राइवर है सोइए भाई हल्को ड्राइवर भाई हमारो नजारा बहुत मस्त लग रहा मंदिर का, चलो चलते हैं ठंड का मौसम हो रहा है, मैंने इसकी दुकान भी देखी, दुकान देखने के लिए आए थे तो फिलहाल निकलते हैं घर के लिए, तो भाई सर्दी का मौसम है इसलिए मैं टाइम पे घर पहुँच जाए, तो चलो निकलते हैं, तो काफ़ी भीड़ हो चुकी है, चलते आराम से देख के लीजिए।